हाय गाइस, आई एम रचा एंड वेलकम टू माय रिचर्स किचन एंड लाइफस्टाइल। आज मैं आप लोगों के सामने मिल्क पाउडर बर्फी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो इसको हम चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। बहुत इजी है, 10 से 12 मिनट में बन जाएगी। यहाँ एक मैंने ग्लास के बोल में मैंने एक बटर पेपर बिछाया है, उस पर मैं ये घी लगा दे रही हूँ। बहुत अच्छे से हमें लगाना है इसे, अगर हम नहीं लगाएंगे तो ये इस पर बर्फी चिपकेगी। कढ़ाई में मैंने यहाँ पर 4 बड़े चम्मच देसी घी डाला है। इसको हम अच्छे से मेल्ट कर देंगे। हम यहाँ पे आधा बोल यहाँ पे मैंने दूध डाला है, जो रूम टेम्परेचर पे था। ठंडा दूध मत डालिएगा। और इसको अच्छे से हमें एकदम इसको अच्छे से मिक्स करना है। और ये मिल्क पाउडर मैं डाल रही हूँ जो 2 कटोरी है। आप एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिए, या तो आप मेजरिंग कप लेंगे, नहीं तो जो भी आपकी कटोरी होगी जिससे भी आप इसको नाप रहे हैं, सारी जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनके सबके जो मेजरमेंट है वो सेम साइज़ की कटोरी से ही किए जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा करके मिल्क पाउडर डाला है। ये दूसरी बोल है मिल्क पाउडर का, एकदम लोएस्ट फ्लेम है यहाँ पे, और इसे हमें बहुत जल्दी जल्दी इसको मिक्स करना है जिससे कि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ने चाहिए। इस बर्फ़ी को बनाने में टोटल 10 से 12 मिनट लगते हैं, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। यहाँ पे हमें जो ये मिल्क पाउडर है इसके मटेरियल को हमें ओवर कुक भी नहीं करना है, और बहुत जल्दी भी नहीं इसको हमें उतारना है फ्लेम से। अगर ओवर कुक करेंगे तो ये बर्फ़ी जो है ये च्यू सी हो जाएगी, और अगर हम इसे कम मतलब इसको भूनेंगे इसको तो ये कच्ची कच्ची स्मेल आएगी मिल्क पाउडर की। यहाँ मैंने पाउडर शुगर डाली है, इसको हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्लेम अभी भी यहाँ पे लो ही है, और ये हम ध्यान रखेंगे कि अगर हम साबुत चीनी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा चीनी जो होती है वो मेल्ट हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा मटेरियल हमारा गीला हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ग्रीन कार्डमम पाउडर डाला है, 3 से 4 ग्रीन कार्डमम लिए हैं मैंने। वो आपके लाइक पे डिपेंड करता है, आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद हम इसे 4 से 5 मिनट और भूनेंगे। टोटल 10 से 12 मिनट का टाइम लगा है। जो ये मटेरियल है उसने पैन को अपने आप छोड़ दिया, इसलिए इसका मतलब कि वो भुन चुका है। अब हम फटाफट यहाँ पर इस बर्तन में, यहाँ पे हम बोल में, चाहे आप कोई स्क्वायर शेप की प्लेट ले ले, चाहे जैसे भी ले, आपको जैसा भी शेप इसका कट करना है आप कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसको डालेंगे, और ये बहुत गर्म है इसलिए बहुत ध्यान से करेंगे। हम एक स्पैचुला की हेल्प से करेंगे इस पर। अभी मैं अगर ये चिपकता है तो थोड़ा सा घी भी लगाऊंगी। इसको एकदम सिमेट्री हमें बिल्कुल इवेनली हमें इसको स्प्रेड करना है, जिससे जो भी हमें बर्फ़ी का साइज़ चाहिए हमें वैसे कर देना चाहिए। इसमें यहाँ पे मैंने देसी घी लगाया है, इससे बहुत ही ईजली ये स्प्रेड हो जाएगा और बिल्कुल भी बर्फ़ी जो है इसमें चिपकेगी नहीं। बहुत ही इवेनली आप इसे करें। आप चाहें तो इसमें सिर्फ ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ड्राई फ्रूट्स भी लगाया है, चांदी की वर्क भी लगाई है। इसमें मैंने काजू और बादाम रखा है, वो सब मैं इसमें अच्छे से स्प्रेड कर दे रही हूँ। इसके ऊपर मैंने चांदी की वर्क भी लगाई है, आप दोनों में से कोई एक भी लगा सकते हैं। कुछ नहीं लगाना है तो कुछ भी मत लगाइए, ऐसे भी बहुत टेस्टी लगती है। अब इसको हमें अच्छे से इवन कर दिया है, चांदी की वर्क मैं यहाँ लगा रही हूँ। इसे बहुत ही हल्के से ये काम कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से चिपकती भी है, बहुत उड़ती भी है, तो फ़ैन को ऑफ करके कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसको इसी पेपर से ही ऐसे इसको आप प्रेस कर दें, क्योंकि ये बहुत गर्म है अभी। इसको हम 1 आवर के लिए ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे बाहर रख देंगे, फ्रिज में मत रखिएगा, नहीं तो बहुत हार्ड हो जाएगी। 1 आवर में बहुत अच्छे से सेट हो गई है बर्फ़ी हमारी। इसको आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, कुकी कटर से इसको आप सर्कल भी कट कर सकते हैं। अब जहाँ से ये इवन नहीं है, मैं इसको इधर से इवन कर दे रही हूँ, हल्का सा यहाँ से कट कर रही हूँ। इसको मैंने बिल्कुल इवन कर दिया है, इसको अब मैं स्क्वायर शेप में ही कट कर लूँगी। ये बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बनी थी, मिल्क पाउडर की बर्फ़ी बहुत जल्दी बन जाती है। तो फ्रेंड्स, इस दिवाली आप लोग इस बर्फ़ी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चाहे वो जैसे भी हो। सजेशंस दीजिए, अपनी नई रेसिपीज़ की डिमांड कीजिए। ये देखिए कितना बढ़िया टेक्स्चर आया है इसका, और एकदम मार्केट स्टाइल की लग रही है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा। अपनी कोई नई रेसिपी की डिमांड करनी है तो वो भी कीजिए, मैं फुलफ़िल करने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। स्वीट्स की और भी ईजी से ईजी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूँगी, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। थैंक यू।